क्या अक्षय कुमार थे रीजन सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से एक बायोपिक के चले जाने का? क्या ये पूरी कहानी है और कौन सी बायोपिक ऐसी है जो कि सुशांत सिंह राजपूत के हाथ से जाकर अक्षय कुमार को मिल गई या फिर दे दी गई? चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम टू मूवीज अड्डा, मैं हूं ज्योति नाहक। अक्षय कुमार जाने जाते हैं बायोपिक्स के लिए, तमाम पॉजिटिव रोल्स, हीरोइक फिल्म्स जो इस वक्त वो कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक ऐसी फिल्म बन रही थी जो कि काफी ज्यादा लोगों को इंस्पायर करती है और वो थी मिस्टर नारायण मूर्ति की। जी हाँ, नारायण मूर्ति सर जो है वो को-फाउंडर है इन्फोसिस के। और मैं आपको ये भी बता दूं कि वो सिर्फ को-फाउंडर ही नहीं बल्कि चेयरपर्सन रह चुके हैं, सीईओ रह चुके हैं और तमाम सक्सेस स्टोरीज हैं नारायण सर की, मूर्ति सर की। और उनकी जो स्टोरीज वो काफी इंस्पायरिंग भी है किस तरीके से वो उस पोजीशन तक पहुंचे। अब इस चीज पर दंगल के जो डायरेक्टर है नितिश तिवारी सर, उनसे भी बातचीत चल रही थी और एक फिल्म बनने वाली थी नारायण मूर्ति सर पर। और ये फिल्म ऑफर हुई थी सुशांत सिंह राजपूत को। जी हाँ, लेकिन अभी कुछ वक्त पहले ही, अभी एज इन सुशांत जब थे हमारे साथ उससे कुछ वक्त पहले की बात है कि ये फिल्म अचानक से सुशांत से लेकर दे दी गई अक्षय कुमार सर को। अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों ये डिसीजन लिया गया कि सुशांत सिंह राजपूत इज नॉट गोइंग टू डू दिस फिल्म एंड ये फिल्म ऑटोमेटिकली दे दी गई अक्षय कुमार को, ये सारे सवाल जो हैं ये बहुत अहम हैं। और ये भी जांच होनी चाहिए कि क्यों ऐसा हुआ कि एक ही, मतलब तकरीबन 2 से 2.5 महीने के अंदर सारी फिल्में जो हैं वो सुशांत सिंह राजपूत के हाथों से चलती चली गई और एक भी फिल्म उनके पास नहीं रही। 7 से 8 बड़ी फिल्में जो हैं सुशांत से छीन ली गई। क्या इसके पीछे की कहानी है, क्या किसी एक्टर के कहने पर ऐसा हुआ है या फिर डायरेक्टर्स का खुद का ये डिसीजन था? लेकिन अगर खुद का डिसीजन था तो फिर फर्स्ट चॉइस सुशांत सिंह राजपूत होते ही नहीं। सो कहीं ना कहीं बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन आप मुझे एज अ व्यूअर बताइए कि आपकी क्या कुछ राय है। दिस इज ज्योति नाहक साइनिंग ऑफ।